हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम बात करते हैं जीवन मंत्र की। हम इस मानव चोला जो हमें महाप्रभु ने दिया है, इसको कैसे सफल बनाएं, इसके लिए क्या करें हम यत्न। नॉर्मली क्या है कि जब हम संसार में आते हैं, हम बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, फिर माया में फंस जाते हैं, और फिर हम अगर जीते हैं तो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए ही जीते हैं। लेकिन इसी भाग दौड़ में हम अपने जीवन का असली जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं, उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो अब हम ऐसा ना करें, हम जीवन के कुछ बिंदुओं को, कुछ मंत्रों को फॉलो करें, जिससे हमें प्रभु की ललाट और बहोर भी मिले, उसका आशीर्वाद भी मिले और हमारे जीवन में आनंद आए, हम सफल जीवन बना सकें। अब उसके लिए क्या है कि जो जीवन मंत्र है उसके तीन मेन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जब हम जीवन में डे टू डे लाइफ में बहुत आनंदित हों तो हमें किसी को वचन नहीं देना है। जैसे बहुत खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कमिटमेंट जिसको कहते हैं, वो नहीं करना है। दूसरा है कि जब हम बड़े क्रोधित हैं, हमें बड़ा क्रोध आया हुआ है, उस टाइम पे हमें किसी को भी उत्तर नहीं देना है। कोशिश करें उससे बातचीत ना करें, चुप रहें, तो क्रोध में उत्तर नहीं देंगे। अब जिस टाइम पे हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, उस टाइम पे हम कोई भी बड़ा निर्णय ना लें लाइफ का, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, कोई ब्याह शादी हो, कोई बच्चों की रिलेटेड बात हो, कोई डिवीज़न हो, तो तीन बातों का हमें ध्यान रखा, जिसको हम कह सकते हैं जीवन के तीन मंत्र, कि जैसे हम आनंद में हैं तो कोई कमिटमेंट ना करें, हम बहुत क्रोधित हैं कोई उत्तर ना दें, चुप रहें जरे, और तीसरा है जब हम बहुत दुखी हों कोई निर्णय ना करें। ये तीन जीवन के मंत्र हैं। अब जीवन जीने का मंत्र क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। उसमें क्या है कि हम जीवन में डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे बोलें, प्रैक्टिस करें इसकी, उससे मन के संकल्प शांत होंगे। जो मन भगोड़ा है, भागता रहता है, ये शांत होगा, और मन की शांति बहुत ज़रूरी है जीवन को सफल बनाने के लिए। तो पहली बात क्या हुई, धीरे धीरे बोलें, प्यार पूर्वक बोलें। दूसरी बात है हम अहम को छोड़ें, क्योंकि जहाँ खुदी है वहाँ खुदा नहीं आता है। हम सारा जीवन अहम में निकाल देते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा बेटा वो है, मेरी ये पोजीशन है, मैं और मैं, मेरा में ही फंसे रह जाते हैं। तो अगर हम अहम को त्यागने की कोशिश करें तो हम बड़े इंसान बन सकते हैं, जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि हम सेवा करें, जो हम करेंगे वही वापस आना है। दीन दुखियों की सेवा करें, हमारा सतगुरु खुश होगा, हमें भी शक्ति मिलेगी। फिर हम भक्ति करें रेगुलर, जिस सतगुरु ने, निरंकार ने हमें जीवन में पैदा किया है, ये मानव चोला दिया है, हम उसकी भक्ति करें, क्योंकि भक्ति के बिना हम भाव सागर से पार नहीं जा सकते हैं, हम आनंद नहीं पा सकते हैं, उसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो फिर नेक्स्ट बात आती है, हम विचार करें, हर बात को अच्छी तरह विचाराधीन करके आगे फैसला करें, तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और जीवन में लड़ाई झगड़े इनसे हम बच जाएंगे। फिर निर्जरा करें, सहना सीखें, जरना सीखें, जब जरेंगे तो गंदे कर्मों का निर्जरा होना शुरू हो जाएगा, हमारी बॉडी का देव तत्व जाग जाएगा। देव तत्व क्या है,
मानवता के गुण हैं, करुणा है, श्रद्धा है, प्यार है, ये सब तत्व जाग जाएंगे। जब ये जगेंगे तभी हमारी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। तो हम जरना सीखें, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने गाली निकाल दी, उसको दिल में नहीं लगाना है, उसको जरना है। उसके बाद जीवन मंत्र में फिर हम संतोषी बने, हम संतोषी बने जबरदस्ती, कोशिश करें, याद रखें इस बात को, फोकस बना के, तो हम फिर लालच की ओर नहीं भागेंगे, हमारे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये 7 बिंदु हैं जीवन मंत्र के, तो इनका हमें ध्यान रख के आगे बढ़ना है। अगर हम इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जिसमें जीवन के 3 मंत्र और जीवन मंत्र, तो फिर हमें ऐसी स्थिति बनानी है कि जिसमें हम अपने इस वजूद को इतना छोटा बना लें, डाउन टू अर्थ कर लें, कि कोई भी मानव इंसान बड़ा छोटा हमारे साथ बैठ सके, और इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम इसके माइंड के पावर को, माइंड के तंत्र को, माइंड के संकल्पों को इतना बड़ा बना लें कि अगर हम कहीं भी पहुंच जाएं, किसी देश में भी पहुंच जाएं, किसी भी कम्युनिटी में चले जाएं, खड़े हो जाएं, तो लोगों के लिए बैठना मुश्किल हो जाए, उनको खड़े होना पड़े। तो ये दोस्तों जो हमने अभी डिस्कशन की है, इसका मतलब क्या है कि हम अपने जीवन को जीना सीखना है। सारा जीवन अगर हमारा यही है कि मैं बच्चों का करूं, मैं बीवी का करूं, या हस्बैंड का करूं, बिजनेस का करूं, रिश्तेदारों का करूं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो याद रखना ज़िंदगी तो निकल जाएगी। जो लोग आज आपको सलूट मारते हैं वो छोड़ देंगे, और दूसरे लोग आ जाएंगे सलूट लेने के लिए। धीरे धीरे आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शौक है, उसको जानना है, अपने लिए भी जीना है, उस शौक को पैदा करने के लिए आपको टीचर भी रखना पड़े तो रखो। अगर पेंटिंग का शौक है, गाने का शौक है, गिटार का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, कोई भी शौक है, पढ़ने लिखने का शौक है, उसको पूरा करने की कोशिश करो कि मरने के टाइम पे ये ना सोचना पड़े कि अरे भैया मैंने तो ज़िंदगी जी नहीं, मैं तो दूसरों के लिए ही जीता रहा। दूसरों के लिए जब जियोगे तो ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। तो इन जीवन मंत्रों के थ्रू हम अपनी ज़िंदगी भी जीना सीखें, अपनी ओर भी मुड़ें। ये हमारा असली घर है जो हमें परमात्मा ने दिया है, हम इसको जानें और इन मंत्रों को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीना सीखें, तभी हमारा जीवन सफल होएगा और आनंदित होएगा। हर हर महादेव।